हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनीष नागर एंड यू आर वाचिंग हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन चैनल। स्वागत है आपका एक बार फिर से दोबारा। अभी लेके आए हैं आपके लिए पार्ट टू एमसीक्यू सीरीज़ का। पार्ट वन लास्ट वीडियो में मैंने एमसीक्यू 1.4 वहाँ पे अच्छे से अराउंड 42 क्वेश्चंस एमसीक्यू आपके साथ शेयर किए थे। पीडीएफ भी उसका डाला था, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में। सेम 43 से कंटिन्यू करेंगे हम आज की वीडियो में। पार्ट टू है उसी का कंटिन्यूएशन में है। इसका भी पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। ज़्यादा डिले नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं। द फॉलोइंग फिगर इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टूर्नामेंट। तो आपके आगे एक फिगर दी हुई है, टूर्नामेंट का एक पिक्चर बना हुआ है जिसमें जोन ए, जोन बी, जोन सी, जोन डी, आप देखेंगे मैचेस किस तरह से हो रहे हैं, देन नीचे अगेन फिर मैचेस हो रहे हैं। तो चार ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें से आपको एक सिलेक्ट करना है कि कौन सा करेक्ट है। चार ऑप्शन कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए लीग कम लीग टूर्नामेंट, ऑप्शन बी नॉकआउट कम नॉकआउट टूर्नामेंट, ऑप्शन सी नॉकआउट कम लीग टूर्नामेंट, या फिर ऑप्शन डी लीग कम नॉकआउट टूर्नामेंट। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी नॉकआउट कम लीग टूर्नामेंट। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 44। इन दिस टाइप ऑफ टूर्नामेंट अ टीम वंस डिफीटेड गेट्स एलिमिनेटेड। कौन सी टूर्नामेंट में होता है? ऑप्शन ए लीग टूर्नामेंट, ऑप्शन बी नॉकआउट टूर्नामेंट, ऑप्शन सी लैडर टूर्नामेंट, या फिर ऑप्शन डी चैलेंज टूर्नामेंट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी नॉकआउट टूर्नामेंट। जो टीम हार जाती है वहीं से बोरिया बिस्तर बांध दिया जाता है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 45। राउंड रॉबिन इज ऑल्सो कॉल्ड एज। ऑप्शन ए नॉकआउट टूर्नामेंट, ऑप्शन बी लैडर टूर्नामेंट, ऑप्शन सी लीग टूर्नामेंट, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी लीग टूर्नामेंट। राउंड रॉबिन ही लीग टूर्नामेंट का ही दूसरा नाम है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 46। इन दिस टूर्नामेंट एवरी टीम लूजिंग वंस इज एलिमिनेटेड। ऑप्शन आर ऑप्शन ए लैडर टूर्नामेंट, ऑप्शन बी कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट, ऑप्शन सी सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट, या फिर ऑप्शन डी डबल नॉकआउट टूर्नामेंट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 47। इफ देर आर लार्ज नंबर ऑफ टीम्स एंड द ऑर्गेनाइजर्स वॉन्ट्स टू कंप्लीट द टूर्नामेंट अर्ली, विच टाइप ऑफ टूर्नामेंट इज बेस्ट? ऑप्शन आर ऑप्शन ए नॉकआउट टूर्नामेंट, ऑप्शन बी लैडर टूर्नामेंट, ऑप्शन सी कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट, या फिर ऑप्शन डी लीग टूर्नामेंट। बहुत सारी टीम्स आ रही, जल्दी खत्म करना है, बेस्ट तरीका है ऑप्शन ए नॉकआउट टूर्नामेंट। करेक्ट आंसर होगा इसका। द फॉलोइंग फिगर इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ टूर्नामेंट। आपको फिगर दी हुई है, एक नीचे मैच का फिक्चर दिया हुआ है, चार जोन बने हुए हैं, ए बी सी डी टीम्स आपस में खेल रही हैं, देन अगेन जो उनके विनर्स हैं उनके मैचेस कराए हुए हैं। चार ऑप्शन दिए हैं, एक सेलेक्ट करना है। ऑप्शन कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए लीग कम लीग, ऑप्शन बी नॉकआउट कम नॉकआउट, ऑप्शन सी नॉकआउट कम लीग, या फिर ऑप्शन डी लीग कम नॉकआउट। तो करेक्ट आंसर जो कि इसका होने वाला है, अगर हम इस इमेज को ध्यान से देखते हैं, तो दोस्तों ये होगा ऑप्शन बी नॉकआउट कम नॉकआउट। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 49। हाउ मेनी राउंड्स विल बी देयर इन अ नॉकआउट टूर्नामेंट इफ 19 टीम्स आर प्लेइंग? ऑप्शंस आर ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, या फिर ऑप्शन डी 3। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 5। 5 इसका करेक्ट आंसर होगा। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 50। हाउ मेनी मैचेस विल बी प्लेड इन अ लीग टूर्नामेंट ऑफ 6 टीम्स अकॉर्डिंग टू साइक्लिक मैथड? ऑप्शन आर ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 10, या फिर ऑप्शन डी 15। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी 15। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 51। लीग कम नॉकआउट इज अ पार्ट ऑफ विच टूर्नामेंट? ऑप्शन आर ऑप्शन ए नॉकआउट, ऑप्शन बी राउंड रॉबिन, ऑप्शन सी कॉम्बिनेशन, या फिर ऑप्शन डी कॉन्सोलेशन टूर्नामेंट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 52। इन सिंगल लीग टूर्नामेंट इफ 15 टीम्स आर टेकिंग पार्ट द नंबर ऑफ टोटल मैचेस विल बी? ऑप्शन आर ऑप्शन ए 99, ऑप्शन बी 120, ऑप्शन सी 146, या फिर ऑप्शन डी 105। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे, अगर मैं यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करूँगा आपका, मैं आंसर बता देता हूँ। साइड बाय साइड आप कैलकुलेट कर लेना वीडियो को पॉज करके और अपना आंसर फिर टैली करना। तो करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन डी 105। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 53। इफ 15 टीम्स आर पार्टिसिपेटिंग इन नॉकआउट टूर्नामेंट व्हाट विल बी द नंबर ऑफ बायस इन द फिक्चर? ऑप्शन आर ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 19। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 1। इफ 17 टीम्स आर पार्टिसिपेटिंग इन अ नॉकआउट टूर्नामेंट व्हाट विल बी द नंबर ऑफ बायस इन द फिक्चर? ऑप्शन आर ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 15, या फिर ऑप्शन डी 12। तो करेक्ट आंसर जो इसका होगा वो होगा ऑप्शन सी 15। 15 विल बी द करेक्ट आंसर। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 55। अ मेथड टू डिटरमाइन नंबर ऑफ टीम्स गिवन इन द अपर हाफ एंड लोअर हाफ इज? ऑप्शन आर ऑप्शन ए एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू कॉमा एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू, या फिर ऑप्शन बी एन बाई टू, या फिर ऑप्शन सी एन बी माइनस वन कॉमा एन बी प्लस वन, या फिर ऑप्शन डी एन बी माइनस वन डिवाइडेड बाई टू कॉमा एन बी प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। तो क्वेश्चन नंबर 55 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू कॉमा एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू। प्लस वन से अपर हाफ की टीम्स निकल जाती है, एन माइनस वन से नीचे वाली की, लोअर हाफ की। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 56। मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू एंड चूज द करेक्ट आंसर। लिस्ट वन में
आपको चार पॉइंट क्या क्या दिए हैं, एन प्लस वन बाई टू, एन माइनस वन, एन माइनस वन बाई टू पावर ऑफ टू। लिस्ट टू में आपको दिया हुआ है टोटल नंबर ऑफ टीम्स इन लोअर हाफ, सेकेंड बाय थर्ड टोटल नंबर ऑफ टीम्स इन अपर हाफ, फोर टोटल नंबर ऑफ मैचेस। साथ में नीचे अगर आप कोड देखते हैं तो कोड आपको दिखेगा, ऑप्शन ए है 3412, ऑप्शन बी इज 4321, ऑप्शन सी 2134, ऑप्शन डी 3214। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए 3412। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 इज अगेन एक लिस्ट आपको दी हुई है, मैच लिस्ट को लिस्ट टू से मैच कराना है। चार चार ऑप्शन दिए हुए हैं। लिस्ट वन में है एन इंटू एन माइनस वन बाई टू, और सेकेंड है एन इंटू एन माइनस वन, थर्ड इज एन बी माइनस वन बाई टू, फोर्थ इज एन बी प्लस वन बाई टू। लिस्ट टू में दिया हुआ है फर्स्ट इज टोटल नंबर ऑफ बायज इन अपर हाफ, सेकेंड इज टोटल नंबर ऑफ बायज इन लोअर हाफ, थर्ड इज टोटल नंबर ऑफ मैचेस इन डबल लीग टूर्नामेंट, या फिर फोर्थ दिया हुआ है टोटल नंबर ऑफ मैचेस इन सिंगल लीग टूर्नामेंट। ऑप्शन दिए हुए हैं चार जो कोड दिया हुआ है, ऑप्शन ए है 3412, ऑप्शन बी 2134, ऑप्शन सी 4321, या ऑप्शन डी 3214। इसको जब आप इसको क्रॉस करके देखेंगे, मिला के देखेंगे, तो जो इसका करेक्ट आंसर आने वाला है वो है ऑप्शन सी 4321। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 58। नेशनल स्पोर्ट्स डे इन इंडिया सेलिब्रेटेड ऑन, ऑप्शंस आर ऑप्शन ए 29th ऑफ अगस्त, ऑप्शन सी 29 सितंबर, ऑप्शन सी 26 जनवरी, ऑप्शन डी 15th ऑफ अगस्त। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए 29 ऑफ अगस्त। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 59। चूज वन ऑफ द करेक्ट ऑल्टरनेटिव्स गिवन बिलो, अजर्शन बेस्ड क्वेश्चन है। अजर्शन ए इज सीडिंग इज यूज इन नॉकआउट टूर्नामेंट सो दैट गुड टीम डोंट मीट इन अर्लियर राउंड्स, रीजन आर इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस आर रैंकिंग इज गिवन। इन द कंटेक्स्ट ऑफ अवर टू स्टेटमेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, चार ऑप्शन दिए हैं, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ऑप्शन बी बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ऑप्शन सी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, या फिर ऑप्शन डी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू एंड सिलेक्ट द करेक्ट कोड, लिस्ट वन लिस्ट टू आपको मिलाना है, आपको पता ही कैसे करना होता है, अलग अलग दिया होता है जोड़ना होता है। ऑप्शन दिए हुए, ऑप्शन ए दिया हुआ है, ऑप्शन पहले लिस्ट देख लेते हैं, लिस्ट वन में कौन कौन से चार पॉइंट दिए हैं। फर्स्ट द फर्स्ट बाय इज गिवन इन अ नॉकआउट टूर्नामेंट, सेकंड द थर्ड बाय इज गिवन इन अ नॉकआउट टूर्नामेंट, थर्ड द फोर्थ बाय इज गिवन इन अ नॉकआउट टूर्नामेंट, देन फोर्थ द सेकंड बाय इज गिवन इन अ नॉकआउट टूर्नामेंट। तो बाय बेसिकली किस ऑर्डर में दी जाती है, लिस्ट टू में दिया हुआ है फर्स्ट फर्स्ट टीम, फर्स्ट टीम ऑफ अपर हाफ, सेकंड लास्ट टीम ऑफ अपर हाफ, थर्ड लास्ट टीम ऑफ लोअर हाफ, फोर्थ फर्स्ट टीम ऑफ लोअर हाफ। ऑप्शन दिए हुए हैं, कोड जो दिया है वो दिया ऑप्शन ए 3421, ऑप्शन बी 3214, ऑप्शन सी 2134, या ऑप्शन डी 2143। तो दोस्तों बड़ा ही ईजी है, अगर आप देखेंगे कि जो पहले वाला है कि द फर्स्ट बाय इज गिवन इन नॉकआउट टूर्नामेंट, तो पहली बाय जो सेकंड जो आपका लोअर हाफ होता है उसकी लास्ट टीम को दी जाती है, इट मींस जो थर्ड पॉइंट आ जाता है लिस्ट टू में लास्ट टीम ऑफ लोअर हाफ, ये आ जाता है यहाँ पे, ऑप्शन ए में भी आ रहा है, ऑप्शन बी में भी आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, द थर्ड बाय इज गिवन इन नॉकआउट टूर्नामेंट, तो थर्ड बाय कहाँ दी जाती है, फर्स्ट बाय दिएगी सबसे नीचे वाली टीम को लोअर हाफ में, सेकंड बाय अपर हाफ की सबसे ऊपर वाली टीम को, थर्ड बाय लोअर हाफ की ऊपर वाली टीम को। तो लोअर हाफ की ऊपर वाली टीम जो है वो कौन सी है, फर्स्ट टीम ऑफ लोअर हाफ, पॉइंट फोर, इट मींस 3421 क्वेश्चन जो ऑप्शन ए है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर आप बाकी क्रॉस भी करेंगे, वेरीफाई भी करेंगे, तो आप देख सकते हैं द फोर्थ बाय इज गिवन इन अ नॉकआउट टूर्नामेंट, तो इसका आ जाएगा सेकंड ऑप्शन द लास्ट टीम ऑफ अपर हाफ, बिल्कुल करेक्ट है। एंड फोर्थ द सेकंड बाय इज गिवन इन अ नॉकआउट टूर्नामेंट, फर्स्ट फर्स्ट टीम ऑफ अपर हाफ, तो सेकंड बाय वहाँ दी जाती है, इससे ही आपका क्रॉस वेरीफाई भी हो जाता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट 3421। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज की वीडियो का, क्वेश्चन इज चूज वन ऑफ द करेक्ट अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो, अजर्शन ए व्हेन नंबर ऑफ टीम आर 11 इन अ नॉकआउट टूर्नामेंट, रीजन आर द नंबर ऑफ बायस विल बी 6 इन दिस टाइप ऑफ टूर्नामेंट, इन द कंटेक्स्ट ऑफ अवर टू स्टेटमेंट्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ऑप्शन आर ऑप्शन ए बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ऑप्शन बी बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ऑप्शन सी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ऑप्शन डी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो इसी के साथ आज की वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, साथ ही आप लोगों से एक बार फिर से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जो लोग चैनल पे नए आए हैं बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, साथ ही सब्सक्राइब कर लेना, ताकि कोई भी नई वीडियो आती है, कोई भी अपडेट आता है सीबीएसई से रिलेटेड, क्लास 12, 11 से रिलेटेड, हेल्थ एजुकेशन से रिलेटेड, या जनरल लाइफ से फिटनेस से रिलेटेड कोई भी वीडियो आती है तो वो आपसे मिस ना हो, इस तरह की वीडियो चैनल पे मैं लेके आता रहता हूँ, उसके अपडेट्स आपको रेगुलर मिलते रहें, ताकि आप भी हमारे साथ चैनल के साथ जुड़े रहें। इसी के साथ विदा लेते हैं,
फिट रहिए, हिट रहिए। जय हिंद, जय भारत।